अभी हम आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला वेस्ट कामिंग में, और अगर आप सबको याद होगा लास्ट ईयर नवंबर के ही महीने 2019 के ही हमने यहाँ पे आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। तब तक यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छी बात यह है कि क्लास यहाँ पे अभी जो ऑल साइट था कॉलेज का वो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ न्यू साइट में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी हम जब आए थे यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो काफ़ी ख़राब तरीके में कह सकते हैं, और साथ ही साथ सुनने में आया कि यहाँ पे कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको बस तक भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जाके डिटेल लेंगे, क्योंकि जो जो डाउट्स है जैसे आप सबको वीडियो में देखने को मिलेगा, जो नीचे जहाँ बाईपास जहाँ से उठता है कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला के लिए, वो काफ़ी ख़राब हालत में है और काफ़ी स्टीप कह सकते हैं। अगर गाड़ी दो जगह से भी आ जाता है तो साइड करने के लिए जगह नहीं है, और बस किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात रही यही रहेगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे लाइट आ चुका है सुनने में है पावर डिपार्टमेंट के द्वारा, और वाटर सप्लाई भी किया जाए। लेकिन कंस्ट्रक्शन ये सबको देखे तो काफ़ी सवाल उठता है, जब तक कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगा जो बच्चे किस तरीके से आएंगे और कॉलेज किस तरीके, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि मेन टाउन बोमदिला से ये जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला वो करीबन 8 to 9 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यहाँ पे कोई ऐसे भाड़ा जो लाइन सिस्टम जो भाड़ा गाड़ी चलता है इस तरीके कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया, इवन बस भी। तो सीधे अभी हम यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे जाके बात करेंगे, डिटेल निकालेंगे कि उनको क्या कहना है। अभी हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला के प्रिंसिपल है, सीधे उनसे जानते हैं और अपडेट लेते हैं। सर सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, एंड पूरे एक साल के बाद मैं अपडेट लेने आई हूँ, और सुन के अच्छा लगा कि सर जो पुराने जो कॉलेज के जो साइट थे कैंपस से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी सर। थैंक यू वेरी मच। और सर आपसे ये अपडेट लेना चाहूँगी रिगार्डिंग, क्योंकि अभी हम जब आ रहे थे काफ़ी चीज़ें जैसे रास्ता ठीक तरीके से बन के नहीं हुआ, और हमने भी अभी फेस करके आए, तो सर इम्पोर्टेंट हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि जब तक रोड कनेक्टिविटी ठीक तरीके से नहीं होंगे तो बच्चे किस तरीके से आएंगे, तो रोड के लिए क्या किया जा रहा है सर? रोड के लिए ऐसा है कि हमारा DC साहब भी यहाँ कैंपस में आया था एक महीना पहले, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि रोड के लिए हम ग्रेव को लेटर लिखेंगे और कुछ पैसा शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होगा, तो ये प्रॉमिस किया DC साहब ने, हमारा नया DC साहब है। तो अभी ग्रेव को हमारा ये ऑल वेस्ट कमिंग स्टूडेंट्स का प्रेशर से ही ये जो थोड़ा सा अभी ब्लैक टॉपिंग वगैरह करने का रेडी कर रहा है, तो ओनली 1.5 किलोमीटर ही होगा, और तो छोटा गाड़ी तो आ ही सकता है। और मैं आपको बता दूं ये एक मील से जो हाईवे जो जाता है तो वो हमारा कनेक्टिविटी है, तो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे, तो बड़ा गाड़ी जा सकता है, तो हाईवे में तो गाड़ी जाते ही है जी सर। और लास्ट ईयर जब हम आए थे 2019 नवंबर के महीने में थे, तो इशूज इलेक्ट्रिसिटी का भी था, पानी का भी था, तो सर अपडेट किया है सर? सबसे पहले तो बता दूं कैंपस में जो बिल्डिंग्स वगैरह बना है तो पानी का सबसे पहले हुआ है, पूरा फुल कनेक्टिविटी है। उस समय पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था बिल्डिंग्स वगैरह, तो हमारा यहाँ ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पूरा कनेक्टिविटी है, और क्लासरूम में भी कनेक्टिविटी है अंदर, तो वाटर कनेक्शन तो एकदम अपडेट है पूरा। और बिजली जो बता दूं, बिजली के तरफ से भी बिजली भी अच्छा से लगाया है, और आपने देखा होगा रोड में लगाया है, और ये स्ट्रीट लाइट लगाया है, और यहाँ बिल्डिंग जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एकेडमिक ब्लॉक में भी लगाया हुआ है, तो पूरा फुल प्रिपेयर्ड है। अच्छा, इस साल तो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन क्लासेस किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये तो मैं उस दिन ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन का भी इंटरव्यू देख रहा था, तो कॉलेज के बारे में तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, स्कूल के बारे में बताया है, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, शायद ऑफलाइन तो नहीं होगा ऐसे सिचुएशन पे, तो ऑनलाइन का ही प्रोविजन में गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऑनलाइन का ही अभी थोड़ा सा शुरू करने के लिए परमिशन देने से हम सब कॉलेज टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, और नेटवर्क भी थोड़ा ठीक है ऐसे वेस्ट कमिंग में। सर अभी खबर मिले थे कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही हमें खबर मिले थे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो किस तरीके से लिया जा रहा है? जैसे आपने अभी तो मेंशन नहीं किया कि क्लासेस नहीं चल रहा, लेकिन अगर स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो किस तरीके से? ऐसा कोई परमिशन तो नहीं आया है, नहीं है। टीचर्स अपना स्टूडेंट्स को अपना पर्सनली टच करके पर्सनली में कुछ बता रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई ऑनलाइन क्लास का परमिशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर। और सर अभी जैसे अभी आपने मेंशन किया अगर परमिशन देता है तो अब चालू करेंगे, ना आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेफरेंस दिया, तो सर अगर इनकेस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होता है
तो हमें खबर मिली थी कि स्टूडेंट्स को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस वगैरह भी नहीं है, एक ही बस है एक ही जिसमें बस जुड़ता नहीं है, तो हाँ, उसके लिए क्या किया जा रहा है वो सर? हम डीसी साहब से वो ड्राइवर एक मांगा था, जी तो वो भी चलाने के लिए मना कर रहा है, बस चलाने के लिए मना कर रहा है। जी तो वहाँ हमारा फाइल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जी डीसी साहब ने फिर फाइल वापस भेजा है जी कि एक कमेटी बना करके एक जी ड्राइवर को अपॉइंट किया जाए विद मेंबर्स, जो हमारा ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट है और DTOs है, उनको मेंबर बना करके, बस 5-6 एप्लीकेशन आया हुआ है, तो उनको सिलेक्शन के लिए पुट अप करने के लिए बोला डीसी साहब ने। जी सर, ये था रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स को लेकर, जो फैकल्टीज़ के लिए भी जो जो क्वार्टर्स बनता है उसका भी कुछ कंप्लेन सुनने को मिल रहा था, तो क्या इशू है उसमें सर? अभी ऐसा है कि Type 3 Quarter 8 बना हुआ है, बन गया है पूरा कंप्लीट, एक वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, पानी लग गया, बिजली लग जाएगा क्वार्टर अलॉट करने के बाद में। और स्टाफ के लिए भी आप देखा होगा वहाँ पीला सा क्वार्टर बना है, पिंक, उस वहाँ भी 8 स्टाफ क्वार्टर आ जाएगा, और हमारा प्रिंसिपल क्वार्टर भी बन गया है, और Type 3 Quarter ऊपर में 2 है, तो मतलब 15-16 टीचर्स तो हम एकोमोडेट कर ही लेंगे न्यू कैंपस में। जी हाँ जी, उन लोग भी एप्लीकेशन दे रहा है जी अलॉटमेंट के लिए। हाँ जी जी सर, और अभी जैसे कि क्लासेस तो नहीं चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप लोगों का जो काम है वो चालू हो गया, तो जितने भी आपके जो स्टाफ्स हैं इवन फैकल्टी मेंबर्स भी, वो आ रहे हैं या फिर? आ रहा है, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। ये कोविड की वजह से हम ब्रेकअप किया था, हम लोगों का 8-9 ऑफिस स्टाफ है, तो जी उनको भी ब्रेकअप किया था, लेकिन दूर होने की वजह से कोई बहाना बना करके नहीं आता है, हम जी बीमार है तो 2 दिन ऐसे करके, तो जी हम अभी ये सबको बुला रहा है, आप देखा होगा जी ऑफिस सब चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। जी मैं सल्यूट करता हूँ अपना डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, रूसा के तरफ से भी हम 10 लाख रुपये का किताब भी खरीदे हैं, वो भी ऑन द लाइन है, ये सब आ गया है सामान। आपको जो डिटेक्शन कियोस्क 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 भी लगाया हुआ है, और जिम भी बन गया है, तो और भी हमारा और सारा प्लानिंग है रूसा की तरफ से, तो जब पैसा आएगा तो हम इस्टेब्लिश करेंगे अच्छी तरह से। और मैं कह दूं कि ये गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी वॉल जो बना है वो भी रूसा की तरफ से बना है, वो भी कंप्लीट हो गया, हम टेक ओवर कर लिया है उसको भी। हम जल्दी ही अगर वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन लग जाएगा तो हम फर्नीचर के लिए भी रेडी रखा हुआ है, जब कॉलेज खुलेगा तो हम गर्ल हॉस्टल के लिए भी हम ओपन कर देंगे। रूसा जो हम लोग बोलते हैं उन्हें के तरफ से भी बहुत फंड आया है, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहा है वो नीचे वाला फ्लोर रूसा के से बना हुआ है, और इस बार हमने ये प्लान किया कि जिम भी यहाँ खोलेगा, सामान भी पूरा आ गया है, जिम पूरा सेट हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सर, हम कह सकते हैं कि बस अभी इंतज़ार है कि MHA साथ ही साथ बस डिपार्टमेंट अलाउ कर दे। वही वही हम वेट कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं कि बच्चे आए कॉलेज में, और देख ही रहा है कि टाउन से दूर होने के बावजूद भी हमारा फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, और कोई कोई बैठा रहता है घर में, तो उनको मैं बुलाता हूँ किसी काम के लिए। जी सर, आखिर में क्योंकि काफ़ी कंप्लेंस रिगार्डिंग रास्ता का ही था स्टूडेंट के तरफ से, एंड जो आपने कहा कि ऑफिशियली ऑनलाइन क्लासेस का तो परमिशन नहीं दे, लेकिन जो अगर टीचर्स ले रहे तो अलग बात है, तो सर जो स्टूडेंट्स देखेंगे ये आपके कॉलेज के बच्चे रिगार्डिंग रोज को, आप क्या रोज को लेकर और पढ़ाई को लेकर स्टडीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोज के लिए देखे हम, मेरा हाथ में तो कुछ है नहीं है, हम तो सिर्फ अपील ही कर सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब अपील करता है तो DC साहब जो कमांडेंट इन लोगों का BRTF जो है उनको लिखता है, तो उसके वजह से थोड़ा काम चल रहा है। तो रोड के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आना जाना तो हो रहा है बच्चों का, आना जाना हो रहा है, स्टाफ आना जाना हो रहा है, शेयर टैक्सी करके भी आ ही रहा है, ऐसे कोई इतना इशू नहीं है इस टाइम में, मतलब विंटर में। समर में अगर बारिश होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसमें, लेकिन अभी हाईवे जब बन गया तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा स्टाफ के लिए। सर, पढ़ाई को लेकर पढ़ाई को लेके देखिए, अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी थोड़ा दूर है टाउन से, तो थोड़ा तो सब्र करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ सब्र करना ही पड़ेगा, आपको कुछ खोना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ ज्ञान मिलेगा, आपको फ्रूट मिलेगा, ये मेरा कहना है, और बच्चे भी बहुत सिंसियर हैं, आएंगे, अच्छा आस्ते आस्ते आएंगे। अभी हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला के स्टूडेंट्स यूनियन के GS हैं, तो उनसे चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि 2020 के सेशन में अभी नया कैंपस में शिफ्ट हुआ, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, तो हम ये कहना चाहेगा कि अगर हम लोग ने मतलब नया कैंपस में तो शिफ्ट तो हो गया, लेकिन हम लोग का दिक्कत ये है कि हमको जो बस है उसका मतलब हम लोग को गवर्नमेंट ने 2014 से हम लोग को बस इशू किया, लेकिन आज तक ड्राइवर दिया नहीं है। हम लोग हमेशा मतलब लास्ट ईयर से उस दिन मतलब
कितना जब से मतलब बस दिया ना तब से हम लोग अपील कर रहे कि हम लोग को एक ड्राइवर चाहिए। उन्होंने बस तो दिया लेकिन ड्राइवर नहीं दिया, तो ऐसे हो के ऐसे चलने नाते तो कॉलेज तो शिफ्ट हो गया। अभी बस जो उस दिन मतलब हम लोग अपील किया ना तो पता चल गया कि हाई लेवल में बोलने से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग मतलब यहाँ का हम लोग का जो नया डीसी है उसे मतलब रिक्वेस्ट किया, उसने मतलब एक ड्राइवर दिया जो वहाँ का लेबर ऑफिस से एक ड्राइवर दिया। तो हमारा प्रिंसिपल है वो जाके तो वहाँ से बस स्टेशन से दोनों ने बस को लेके आया। तो वहाँ में हम लोग वहाँ एक तो पावर हाउस का वहाँ छराई है, तो वहाँ में क्या हुआ कि बस का पट्टी टूट गया। वो इसलिए क्योंकि बहुत समय से अगर चला ही नहीं, जंग लगा के पट्टी जो टूट गया तो गिर गया। ड्राइवर ने फिर सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर किया। तो अभी वही है कि हम लोग का एक ही उपाय है कि हम लोग को मतलब बस एक ड्राइवर होने से ठीक है ना। और इसके बाद रास्ता जो है कि वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मतलब कंप्लीट होने से बहुत मतलब हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, ताकि स्कूल शुरू नहीं होने से पहले। और एक तो ऐसे कि क्योंकि इस बार कोविड का कारण से तो बोमदिला में इस बार हम लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा न्यू इनरोलमेंट जो है 300 ज़्यादा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट का नंबर्स जो बढ़ गया तो अभी हम लोग को मतलब एक बात से तो वो शायद आप भी सोच सकते हैं वो एक बात से नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम लोग उस दिन यहाँ में एक GM आया था, तो हम लोग से वहाँ उससे अपील किया कि हम लोग को मतलब जो APST में दो बस वो कर देने के लिए डिप्लॉय कर देने से मतलब हम लोग APST वाला को उसका रिन्यूअल दे के हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हो क्या अभी प्रपोजल है, लेकिन यहाँ का MLA सर लोग को मिल पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं है। जब भी होता है MLA तो यहाँ का है लेकिन होता है इटानगर में ज़्यादा है। तो अभी उसके लिए भी हम लोग मतलब उसको रिक्वेस्ट है कि हम लोग का मतलब और दो बस देने से भी ठीक है बोल के ना। तो ये लोग का कहना ये कि एक्चुअली जो ये रास्ता बनाया ना जो यहाँ में चढ़ने वाला कॉलेज का रास्ता, ये जो सिर्फ सामान पहुँचाने के लिए मतलब सामान कैरी करने के लिए बनाया था बोलते हैं। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ का भी रास्ता भी उल्टा फुलता है। तो मेन अगर मतलब अच्छा से सुंदर से प्रोजेक्ट नहीं किया बोलो, अगर ऐसे मतलब कॉलेज के लिए बनाना होने से तो यहाँ से बनाना चलते, ये जो यहाँ से ना सिरा से, तो यहाँ से अगर ऐसे बनाने से एक टर्निंग में आपका इधर पहुँच जाता है। लेकिन क्या है कि सामान जो नीचे से आता था तो नीचे से मतलब ऐसे उड़ने के लिए ऐसे अभी उस समय के लिए टेम्प्रोरी के लिए बनाया चलते हैं। लेकिन हमको तो लगता है मतलब MLA से ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जो जितना हो सके उतना शॉर्टेज चला रोड को जो कॉलेज के लिए प्रोवाइड करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी टाउन से भी थोड़ा बहुत दूर हो गया। मेरे साथ गवर्नमेंट बोमदिला कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे बात करेंगे रिगार्डिंग जो कॉलेज अभी न्यूली शिफ्ट हुआ है जो नया कॉलेज साइट पे, तो उनसे बात करेंगे। हम लोग को बुलाया गया था, एक प्रोग्राम हुआ था जो क्या बोलते प्लेस टेकिंग हुआ था प्रेमबल के बारे में, तो उसी के लिए और थोड़ा NSS का वर्क सोशल सर्विस सब भी थोड़ा करा है। और जैसे अभी न्यूली शिफ्ट हुआ है तो हमें खबर मिली थी कि रास्ता ठीक तरीके से नहीं है, ये तो बाईपास है जो मेन रास्ता है वो ठीक तरीके से नहीं है, तो ये बात सच है? जी सच है। जी सच है जी। और बस भी नहीं दिया गया बोल के ऐसे सुनने में आया था, तो ये बात कितना हद तक सही है? हाँ बस तो प्रोवाइड तो कर दिया ओके सुना था, बट अभी तो नहीं चल रहा है, तो मेंटेनेंस चल रहा है ऐसा सुना। ऐसा ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अभी आप लोग का जो ओल्ड बोमदिला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया, आप बताइए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो सेटिस्फाइड है एज ए स्टूडेंट ऑफ ये कॉलेज का? हाँ अभी तो सेटिस्फाइड है, बिकॉज बहुत कुछ है ना, अभी जिम्स वगैरह भी देन पूरा ओपन कर दें, क्लासेस भी अभी काफ़ी अच्छा है। एंड पहले तो वहाँ पे बहुत ठंडा होता था, बुखारी वगैरह भी थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी वहाँ पे वो सब भी दिया है। और रिगार्डिंग पानी को लेकर, यहाँ पे पानी इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रोड का इशू ज़्यादा था, तो अभी पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गया पावर डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ पानी भी यहाँ में वहाँ से अच्छा है, सब कुछ ज़्यादातर ना यहाँ पे अवेलेबल ही है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है। वही है रास्ता थोड़ा दूर पड़ता है बोमदिला से, हाँ तो बस प्रोवाइड करेगा ऐसा सुना था, पर अभी तक तो क्या नहीं होगा, हम लोग भी इतना नहीं पता है अभी तो वही बस तो प्रोवाइड हो जाना चाहिए शायद करेगा। और आखिर में क्योंकि आप लोग तीनों को हमने मिला ये रास्ते में, तो कुछ कहना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट ना, क्योंकि एंटायर डिस्ट्रिक्ट में अभी एक ही कॉलेज है जो 30 ईयर्स के बाद में नया साइट में शिफ्ट हुआ है, तो कुछ रिक्वेस्ट या अपील आप करना चाहेंगे कुछ भी? हाँ वो तो सबसे पहला बात तो यही है कि स्टूडेंट्स को वहाँ से आने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, इसीलिए हॉस्टल होने से या फिर बस प्रोवाइड जल्दी करने से ठीक है सबके लिए जी।